मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं प्रदेश के मौसम को लेकर बड़ी अपडेट। बीते 24 घंटों के दौरान बाड़मेर समेत कई जिलों में तूफानी बारिश का झोंका आया था, जिसकी वजह से फसलें जमींदोज हो गई है। हालांकि कुछ स्थानों पर अभी भी बारिश की कमी बनी हुई है, लेकिन बड़ी अपडेट यह है, राजस्थान में भारी बारिश का दौर फिर से शुरू होगा। कल यानी कि मंगलवार से शुरू होने वाले इस दौर का असर प्रदेश के कई जिलों में देखने को मिल सकता है, जहाँ बादल गरज और बिजली की चमक के साथ तूफानी रफ्तार से बरस सकते हैं। इसको लेकर मौसम विज्ञान केंद्र ने येलो अलर्ट भी जारी किया है। मौसम केंद्र जयपुर के अनुसार आज पूर्वी राजस्थान के झालावाड़, डूंगरपुर, कोटा, प्रतापगढ़, राजसमंद, सिरोही और उदयपुर तथा पश्चिमी राजस्थान के बाड़मेर, जालौर, जोधपुर, नागौर और पाली जिलों में बादलों की गरज के साथ हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। इसके बाद मंगलवार यानी कि कल से मानसून अपने पूरे सबाब पर बरसेगा, जिससे करीब 3 दिन तक प्रदेश में अच्छी बारिश होने की संभावना है। मंगलवार से पूर्वी राजस्थान में तो अच्छी बारिश होगी ही, साथ ही में पश्चिमी राजस्थान के बाड़मेर, जालौर, नागौर, पाली जिलों में भी हल्की से लेकर मध्यम दर्जे की बारिश की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। वहीं भरतपुर, भीलवाड़ा, दौसा, जयपुर, करौली, अजमेर, अलवर, यहां पर भी कुछ स्थानों पर बारिश हो सकती है। यानी कि बारिश का यह दौर 13, 14, 15 3 दिन तक जारी रहेगा। इस दौरान कहीं कहीं पर तूफानी बारिश के झोंके भी देखे जा सकते हैं। और मौसम विभाग ने 13 से लेकर 15 सितंबर को पूर्वी और दक्षिणी हिस्से में भारी बारिश का भी अनुमान जताया है। हालांकि उत्तरी पश्चिमी राजस्थान के लिए ज्यादा भारी बारिश की संभावना तो नहीं है, लेकिन हल्के से लेकर मध्यम दर्जे की बारिश जोधपुर और बीकानेर संभाग के जिले भी देख सकते हैं। वैसे आपको बता दूं, बीते 24 घंटों के दौरान भी नागौर, गंगानगर, डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़, पाली, सवाई माधोपुर, सिरोही, बीकानेर, बाड़मेर, यहाँ पर 2 इंच तक पानी बरसा है। हालांकि इन इलाकों में सभी जगह बारिश नहीं हुई है। बताया जा रहा है बाड़मेर के कुछ स्थानों पर, श्री गंगानगर, हनुमानगढ़ और बीकानेर के कुछ स्थानों पर तूफानी बारिश से नुकसान भी हुआ है। और जहां पर अभी भी बारिश की कमी है, तो वहां पर भी अब बारिश की संभावना बन रही है, क्योंकि प्रदेश का मौसम 15 सितंबर तक कुछ ऐसा ही बना रहेगा। हालांकि कुछ किसानों का कहना है कि इस बारिश से उनकी फसलों को जीवनदान मिला है, लेकिन कुछ किसानों का यह भी कहना है कि जो फसलें पककर तैयार हो गई है, उनको जो है अब नुकसान होने की संभावना है। लेकिन फिलहाल बड़ी अपडेट यह है, कल 13 से लेकर 15 तारीख तक राजस्थान के अलग अलग स्थानों पर बारिश का दौर देखने को मिलेगा। इस दौरान पूर्वी राजस्थान और दक्षिणी राजस्थान के कुछ स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है, और उत्तरी पश्चिमी राजस्थान में हल्की से लेकर मध्यम दर्जे की बारिश की संभावना विभाग ने जताई है। आगे जो भी प्रदेश के मौसम को लेकर कोई बड़ा बदलाव होता है या फिर कोई नई जानकारी आती है, तो मैं आपको जरूर अपडेट करूंगा। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आप अपडेट रहे बड़ी खबरों से। धन्यवाद।